ग्वालियर में बीते दिनों हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसे सूर्य विहार कॉलोनी स्थित सौरभ तोमर के घर के पास लेकर पहुंची, जहां संजीव गुर्जर, लालू यादव और उनके साथियों ने 3 मई की शाम को फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। इस मामले में पुलिस ने शनिवार को लालू यादव का जुलूस निकाला था। इस मामले में संजीव गुर्जर सहित आधा दर्जन आरोपी गोला का मंदिर पुलिस में नामजद किए गए थे। पुलिस ने कहा कि आरोपी लालू यादव का जुलूस नहीं निकाला गया है, बल्कि पुलिस उसे घटनास्थल पर लेकर गई थी और पूरे मामले का रिक्रिएशन कराया गया। पुलिस के मुताबिक लालू यादव के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। वो घास मंडी इलाके का रहने वाला बताया गया है। नहीं, ये आपके शब्द गलत हैं। जुलूस निकाला, ये शब्द आप अपने वापस ले लीजिए। जुलूस निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। बदमाश लालू यादव करके बदमाश है। विगत दिनों तीन मई को अपने सौरभ तोमर रहते हैं, उनके घर के ऊपर जान से मारने की नीयत से इन लोगों के द्वारा दिन दहाड़े फायरिंग की गई थी। इस प्रकार की बदमाशी गुंडागर्दी तो कहीं शहर में चलेगी नहीं। ये कोई जुलूस नहीं निकाला गया है, इसको सब पुलिस ने कल रात्रि को गिरफ्तार किया है और इससे घटनास्थल हम लोगों ने देखने का प्रयास किया है कि कैसे ये अपने लड़के इकट्ठे कतर के यहाँ पर आया था और कैसे फायर की थी। उस घटनास्थल को वापस उसके द्वारा जो जैसा यूज़ किया घटना में, जैसा उस कार्य उसने किया, उस चीज़ को चेक किया गया। टाइम तो देखो चार जने नामजद थे और उसके बाद कंटिन्यू जो पूछताछ की जा रही है उसमें अभी तक 6 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। इसका लालू यादव नाम है, घास मंडी का रहने वाला है, पुराना रिकॉर्ड है और प्रकाश की बदमाशी चलेगी नहीं। और ग्वालियर में ये ऐसे बदमाश अब इनके दिन पूरे हो गए, ये आप मान के चलिए। नहीं, ये आपके